हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और यार एक्चुअली ब्लॉग चालू कर रहे हैं गाड़ी के ऊपर से ही, आप देख रहे हो। हम लोग आज जा रहे हैं एक वाटरफॉल, तो वाटरफॉल में चलिए मिलते हैं। बाकी रास्ते में अगर कुछ बढ़िया दिखता है तो दिखाएंगे, वरना सीधे वाटरफॉल में मिलेंगे। धूप बहुत ज्यादा हो रहा है, हेलमेट पहन रहा हूँ, गाड़ी चला रहा हूँ। हम लोग जो है गेट में एंट्री कर चुके हैं, वहाँ पीछे है इसका टिकट काउंटर उस जगह पे, तो 20 रुपीज ईच है। बाइक और कार का शायद वो लोग कोई कुछ चार्ज नहीं करते। ये जो मेरे पीछे है ये गेट बन रहा है अभी फिलहाल, क्योंकि दिस इज़ ए इको टूरिज्म स्पॉट बाय उड़ीसा गवर्नमेंट। एंड वो मेरे पीछे आपको वहाँ दिख रहा होगा वाटरफॉल, तो हम लोग अभी जाएंगे वहाँ पे। इससे पहले आप लोगों ने शॉर्ट में देखा, तो अभी हम वहाँ पास में चलते हैं और आपको वहाँ का भी व्यू दिखाते हैं। तब तक आप बने रहिए और इन्जॉय करते रहिए, अगर बीच में कुछ और बढ़िया दिखा तो ज़रूर दिखाते हैं। ये जो रास्ता है वो गेट से सीधा एंट्री है वहाँ पे। यहाँ पे जो है बाइक का पार्किंग है, मैंने गलत बताया, शायद कार का 40 रुपीज़ है और बाइक का 20 रुपीज़ है पार्किंग चार्जेस, और पर पर्सन एंट्री फीस 10 रुपीज़। और यहाँ पे बहुत सारा कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रहा है, आप देख रहे हो मेरे पीछे कैफ़े वगैरह बन रहा है। इसका गेट है खंडाधार जलप्रपात जंगल और परिवेश विभाग उड़ीसा सरकार। सो गेट में हम लोग एंट्री कर चुके हैं अभी, एंड दिस इज द गेट। ठीक है, थोड़ा सा पानी ले लेते हैं। यहाँ पे इको कॉटेज जो है उसका मतलब अभी रेडी हो रहा है, ऑलरेडी ये बन चुका है। आई डोंट नो अबाउट द बुकिंग्स एंड ऑल। सो नेचर कैंपिंग और ये सारा चीज़ यहाँ पे आप कर सकते हो। और अंदर आने के टाइम पे गेट है टिकट चेकिंग। बैग चेकिंग नंबर मिल रहा है। तो बैग चेकिंग डन। और धूप बहुत तेज़ है एक्चुअली, हम लोग दिन में बहुत ज़्यादा लेट निकले थे, अराउंड 10 बजे 10:30 बजे घर से निकले हैं, अभी 11 बज रहा है। ये पहले पूरा मिट्टी का रास्ता हुआ करता था जब मैं बचपन में आया था लास्ट टाइम, शायद अराउंड 12-13 साल पहले। और अभी फ़िलहाल आप देख रहे हो एज़ बिकॉज इट इज़ टेकन अंडर उड़ीसा गवर्नमेंट एज एन इको टूरिज्म स्पॉट, सो यू कैन सी द चेंजेस। पुराना फोटोज वगैरह तो है नहीं, तब मैं बच्चा था, अभी का आप देखिए। अरे मामा,
ये आप जो देख रहे हो बोणाबोजी स्थल, मतलब दिस इज द पिकनिक स्पॉट। अगर आप लोग पिकनिक करने के लिए आ रहे हो तो ये एरिया है, बनाया गया है। यहाँ पे आप अपना खाना वाना बना के लेके आके, क्योंकि खाना बनाना अभी शायद अलाउड नहीं कर रहे हैं, सो यू कैन सिट हियर, हैव योर फूड हियर, दिस प्लेस एंड चिल्ड्रन पार्क। चिल्ड्रन पार्क इज ऑल्सो देयर, यहाँ पे चिल्ड्रन पार्क भी बना हुआ है बच्चों के लिए, टाइम पास के लिए बहुत ही खूबसूरत अरेंजमेंट किया गया अंदर पे, आप देख सकते हो। All about this place. This is picnic spot. तो यह चढ़ चढ़ के पूरा हालत हो गया टाइट, फट के चौड़ा भी हो गया है, तो इसीलिए जब भी आ रहे हो तो आराम से चढ़ना। हम लोग हड़बड़ा के दौड़ के चढ़ गए तो थक गए बहुत ज़्यादा। नाइस प्लेस, बहुत ही अच्छा मेंटेन किया गया है, साफ है। सो आवाज़ तो आपको आ ही रहा होगा वाटरफॉल का, पानी का झनझनाहट। अब सामने चलते हैं और वहाँ पे देखते हैं व्यू और आपको भी दिखाते हैं। तो हम लोग जो है अभी है एक बढ़िया सा खूबसूरत जगह पे। आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये जो आपको व्यू दिख रहा है इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे एक बार जरूर बताना कमेंट में। कि करीबन 1 किलोमीटर का ट्रैक है और उसके बाद आप ऐसे व्यू में पहुंचते हो, और मेरे पास ज़्यादा कुछ कैमरा वैमरा तो है नहीं, बस आईफोन में जो भी शूट कर रहा हूँ उसको आप देखिए और एंजॉय कीजिए। तो जो है और ऊपर जाने वाले हैं अभी, और ऊपर का भी व्यू आपको दिखाएंगे जहाँ पे वाटरफॉल का एक्चुअली जो है बेस, मतलब ये जो पानी आ रहा है ऊपर से वो एक जगह पे आके रह रहा है, उसके बाद ये सारे छोटे छोटे यहाँ पे निकल रहे हैं, तो वो जगह पे भी हम लोग जाएंगे। तो आप लोग बने रहिए और पूरा वीडियो देख के जाइएगा। अगर अभी तक अगर आप लोगों ने लाइक नहीं किया है तो इस व्यू के लिए एक लाइक तो बनता है। तो ये जो छोटा सा वाटरफॉल है इसे कहते हैं रक्ती खंडाधार वाटरफॉल, ये जो है। और मैं आपको बता दूँ, प्लीज टेक नथिंग एक्सेप्ट फोटोग्राफ्स। तो यहाँ पे पानी पीने के लिए भी रखा हुआ है, बहुत अच्छा सुविधा है, और गवर्नमेंट आपको इतना सुविधा दे रही है तो गवर्नमेंट का नाम आ रहा है, ठीक है। तो बी ए रिस्पॉन्सिबल पर्सन, बी ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, बी ए रिस्पॉन्सिबल ह्यूमन बींग। और आ रहे हो तो कुछ खाना वाना लेके आना, कुत्ता उत्ता को दे देना। तो मैं आप लोगों से कह रहा था कि इंसानियत के चलते वहाँ पर इतने भी जानवर हैं, दे आर ओनली डिपेंडेंट ऑन द टूरिस्ट। सो आप लोग जो है उन लोगों के लिए कुछ लेके आइए, बिस्किट हो कुछ भी हो, ठीक है। ज़्यादा नहीं, 10-20 कुत्ते हैं अभी, अगर गाय वाय की जो भी जानवर हैं। एनी वेज गवर्नमेंट उन लोगों का ध्यान रखेगी नहीं रखेगी अलग बात है, इंसानियत के चलते उन लोगों के लिए कुछ, दिस इज़ माई रिक्वेस्ट। ये जो खूबसूरती हम लोग आँखों से देख रहे हैं, आई डोंट थिंक कि कैमरा इसको जस्टिस भी कर पा रहा होगा। मस्त विजिट फॉर वंस। तो भाई साहब खतरनाक व्यू, तो इतने मेहनत मशक्कत के बाद हम लोग जहाँ पहुंचे हैं वो व्यू मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ। तो इस व्यू को जरूर एंजॉय कीजिए और इस वीडियो को लाइक किए बिना कभी मत जाना, ठीक है।
तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है वो वाटरफॉल, खंडाधार वाटरफॉल जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा था और जहाँ हम लोग सुबह आने के लिए प्लान बनाए थे। तो व्यू कैसा लगा जरूर बताइएगा। तो हाँ, तो ये है यहाँ का नज़ारा। फाइनली दिस इज खंडाधार वाटरफॉल और ब्यूटिफुल प्लेस, इट्स एन ट्रीट टू द आई। कोई भी आप राउरकेला आ रहे हो तो यहाँ विजिट करके ज़रूर जाना, और ह्यूमैनिटी के हिसाब से यहाँ पे जो जानवर हैं उन लोगों के लिए कुछ खाने के लिए लेके आ जाना। ख़त्म करते हैं इस वीडियो को यहीं पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पीस। तो जब आप एंटर करोगे तो सबसे पहले आपको मिलेगा खंडाधार नेटिजा कैंप। सो इफ यू वांट टू स्टे यू कैन कम हियर एंड बुक ऑनलाइन एज वेल। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा कहां से बुकिंग करना है, बाकी आप यहां पे आके बात कर सकते हो।